हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। और गाजर का हलवा हम कस कर नहीं बनाएंगे, इसको हम आज उबाल के बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो गाजर है उनको अच्छे से धुल लिया और छोटे छोटे पीसेस में काट लिया और उन्हें कुकर में डाल दिया। और उसमें मैंने आधा गिलास ही दूध डाला है और देसी घी डाल के उसे अब हमने उबलने गैस पर रख दिया है। और फ्रेंड्स, जब 2 या 3 सीटें आएंगे तब हम इसको गैस से उतार लेंगे। तो आज हम इसी तरीके से गाजर का हलवा बनाएंगे और देखते हैं ये कैसा बनता है, क्योंकि मैं बिना कस के मतलब गाजर से जो घीस के मैं आज बिना घीसे आज पहली बार हलवा बना रही हूँ। तो ये देखिए, हमारी गाजर उबल गई है और 2 से 3 सीटी ही लगी थी। उसके बाद मैंने कुकर को गैस बंद करके उतार लिया था और तुरंत ही मैंने फिर ये गाजर प्लेट में कर ली। और गाजर जो है वो अच्छे से उबल चुकी है और इसको गर्म ही गर्म हमें किसी की सहायता से मैश कर लेना है। तो मैं यहाँ चम्मच ले रही हूँ और चम्मच से इसे अच्छे से मैं मसल दे रही हूँ ताकि अच्छे से मसल जाए, गुठली वगैरह ना रह जाए। तो इस तरीके से हमें इसको मसल लेना है। और 2-3 सीटी में ही गाजर बहुत अच्छे से उबल गई है। और मैंने गाजर यहाँ पर कम ही ली थी, मतलब 250 ग्राम के लगभग ली गाजर है। और जब मैंने ये गाजर उबाली तो उसमें पानी नहीं डाला था, मैंने आधा गिलास दूध ही डाला था और देसी घी डाला था। और फ्रेंड्स, अब हमने ये जो कढ़ाई है वो रख दी है और उसमें मैंने 1/2 लीटर दूध डाला है पैकेट वाला, क्योंकि हमारे यहाँ जो दूध था वो ख़त्म हो गया था तो पैकेट वाला दूध मंगाया। और फिर जब वो दूध खौल गया उसके बाद मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाला। अगर आप ना डालना चाहते कोई बात नहीं, मैंने इसमें किशमिश और काजू और पिस्ता डाला है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अब आधा हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने अपनी जो गाजर मैश करके रखी थी वो इसमें हम डाल देंगे। तो हमको ये गाजर इसमें डाल देनी है और गाजर डालने के बाद इसे धीमी आंच पर कर देना है और बीच बीच में चलाते भी रहना है। और अब इसे हमने डाल दिया है और इसे हम अच्छे से चलाते रहेंगे। गाजर का हलवा तो फ्रेंड बहुत ही टेस्टी लगता है और इन दिनों तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और गाजर बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, ये विटामिन ए से भरपूर होती है जो कि आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो फ्रेंड्स, इसे अभी हमने ऐसे दूध में डालकर और अच्छे से मिक्स करके इसे हम थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। और फ्रेंड्स, अब 10 मिनट हो गए हैं, अब इसे हम उठाएंगे और थोड़ा सा और चलाएंगे और ये देखते रहना है कि हमारी जो हलवा है नीचे लगे ना, नहीं तो सब ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए धीमी आँच पर बनाना है। फिर मैंने चीनी डाल दी और चीनी डालने के बाद भी इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे। उसके बाद फिर से इसे हम ढक के रख देंगे और जो आँच है गैस की फ्लेम है उसे हम मीडियम ही रखेंगे, हाई नहीं करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अब इसे फिर से हमने उठा के देखा है ढक्कन हटा के कि ये ढंग से बन रहा है कि नहीं, नीचे लग तो नहीं रहा है, क्योंकि ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि गाजर का हलवा है जो नीचे ना लगे। और अब हमने इसमें 2 चम्मच देसी घी फिर से डाल दिया है ताकि ये अच्छे से बढ़िया हो जाए। और अब फिर से इसे हम थोड़ी देर ढक के रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो गाजर का हलवा है वो अच्छे से बन गया है। और इसमें मैंने खोए का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया है, दूध ही डाला है, खोया नहीं डाला। और देखिए कितना टेस्टी दिखने में लग रहा है और कैसा बना है ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा। और बहुत जल्दी बन भी गया है, लगभग मुझे 25 से 30 मिनट ही लगे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो हलवा है वो अच्छे से बन गया है। इसमें थोड़ा सा नीचे अभी जो दूध है वो भी थोड़ा सा जल जाए, मतलब ये हलवा थोड़ा सा और सही हो जाए, ड्राई हो जाए, फिर हम इसको बंद कर देंगे। और अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा जो गाजर का हलवा है वो बन के तैयार हो गया है। और देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा गाजर का हलवा आ चुका है कटोरी में टेस्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, गाजर के हलवे का टेस्ट कीजिए और बताइए कि ये खाने में कैसा बना है, कैसा लग रहा है, इसका स्वाद कैसा है। तो चलिए ले चलते हैं गाजर के हलवे को टेस्ट कराने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका लुक देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड। और अब इसको टेस्ट करेंगी, चलिए गाजर का हलवा टेस्ट कराने ले चलते हैं। तो अभी इसको टेस्ट करेगी मेरी बेटी, तो चलिए उसी के पास इसको ले चलते हैं और देखते हैं उसका रिएक्शन क्या है। वाह मम्मा, ये क्या है? गाजर का हलवा, खा के बताओ कैसा बना। ओ वाह, गाजर का हलवा, थैंक यू मम्मा, मैं टेस्ट करूंगी।
इसमें किशमिश भी है। बहुत टेस्टी लगे। यम्मी। थैंक यू मम्मा, ये बहुत टेस्टी बना है। फ्रेंड्स आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी बना है। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स कमेंट में ये भी बताइएगा आप लोगों ने घर पर इस तरीके से हलवा ट्राई किया है या नहीं। बाय बाय, टेक केयर।